गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास एट में फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्स में अपन ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और नॉन कॉन्टैक्ट में भी अपन ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? फोर्स दैट आर एक्सर्टेड विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यही होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स, उन्हीं फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की। कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी तो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, दूर से ही फोर्स लगाएगी, उन्हीं को अपन बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेट में आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, तो दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है या दूर से ही अपने से दूर उसको धक्का दे देती है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती, उसके टच में नहीं आती। तो मैग्नेटिक फोर्स को किस में रखा हुआ है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रखा हुआ है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही फोर्स लगा सकती है, उसके टच में नहीं आती। फिर अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि जो फोर्स चार्ज बॉडी लगाती है। चार्ज बॉडी मतलब कि दो बॉडी है, अपन उनको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उन बॉडी को अपन बोलते हैं चार्ज बॉडी। जब चार्ज कैसे कर सकते हैं बॉडी को? रब करके कर सकते हैं, है ना? कि जब दो बॉडी को अपन रब करते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और चार्ज बॉडी क्या करती है? दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब अपने को बॉडी चार्ज करनी है तो कैसे करती है? अपन दो बॉडी को रब करते हैं, तो रब करेंगे तो एक बॉडी के कुछ चार्ज पार्टिकल दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एक बॉडी पे तो चार्ज ज्यादा आ जाते हैं, पार्टिकल ज्यादा आ जाते हैं, एक पे कम हो जाते हैं, तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। चार्ज बॉडी को अपन दो टाइम में डिवाइड किया, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए चार्ज बॉडी क्या है कि चार्ज बॉडी में क्या है कि चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। ठीक है, वो भी फोर्स कैसा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कि जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं कि अपन जब कॉम से अपने बालों को सवारते हैं या अपन देखते हैं कि स्केल को अपन हेयर के रब करते हैं, तो स्केल क्या करता है? कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। देखा होगा एक्टिविटी आपने की होगी कि स्केल को जब अपन रब करते हैं तो स्केल क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। रब किया, चार्ज हो गया, और फिर अपन देखते हैं कि छोटे छोटे कागज के जो पीस है उनको वो क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, है ना? उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता, अपन दूर से देखते हैं कि वो उसको कागज के टुकड़ों को क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो अपन उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड बाई ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी पे भी लग सकता है। ठीक है, और चार्ज बॉडी पे भी लग सकता है कि एक चार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगा सकती है और अनचार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगा सकती है विदाउट बीइंग फिजिकली इंटरैक्टेड विद ईच अदर इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आती है ना, दूर से ही फोर्स लगाती है, दूर से ही फोर्स लगाती है, तो अपन उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स? जो दूर से लगता है, और जब चार्ज बॉडी लगाती है तो क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है व्हेन कॉम ओवर हियर कॉम एक्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड हियर गेट स्टिक टू द कॉम। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब अपन कॉम से हेयर बालों को सवारते हैं तो आप देखते हो कि उसके अंदर बाल चिपक जाते हैं, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है?
कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके अंदर मास होगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट होगा, और मास के बीच में, दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स का नेचर है ये कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। इसके अंदर देखो एक पॉइंट, लार्जर ऑब्जेक्ट ऑलवेज एग्जर्ट दिस फोर्स ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मतलब जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, लार्जर ऑब्जेक्ट, वो हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अपनी अर्थ है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट हो गई, और अपन क्या हो गए, छोटे, तो अपन छोटे हो गए तो अपने को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि एक चौक का पार्टिकल है, है ना, एक छोटा ऑब्जेक्ट है और अर्थ बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये किधर जाएगा, अर्थ की तरफ। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में देखो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है, किधर जाएगा, अर्थ की तरफ, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, इसी को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यही नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, जो दूर से लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूर से फोर्स लगाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।